भाई सवि और ईशान की राहें जो हैं वो टकराने वाली हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कैसे ईशान और सवि दोनों ही एक रास्ते पर टकराने वाले हैं। लेकिन ऐसे में सुरेखा क्या करेगी? जब सुरेखा को पता चलेगा कि सवि और ईशान की शादी हो रही है, तब उसका क्या फैसला होगा? वेल दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में आगे दिखाया जाएगा कि किस तरह से सवि और ईशान दोनों जो हैं एक ही रास्ते पर जाने वाले हैं, जहां उन दोनों की राहें एक दूसरे से टकराने वाली हैं। पर आप तो जानते हैं कि इन दोनों की शादी होना तो तय है। ये दोनों शादी कर बिल्कुल सवि और विराट की तरह ही जोड़ी बनाएंगे। सवि और ईशान भी दोनों एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करेंगे और शायद फैंस को भी इनकी केमिस्ट्री आगे चलकर बहुत पसंद आएगी। लेकिन वहीं पर ईशान जो है अभी तो रीवा के धोखे से भी बाहर नहीं आ पाया है, साथ ही उसे अपनी माँ ईशा का धोखा भी याद आ रहा है। तो चलिए बताते हैं और क्या क्या होने वाला है। पहले आपने कल देखा था कि सवि जो है मंडप से भाग चुकी थी, अब सवि जो है जंगलों के बीच में सुनसान रास्ते पर इधर उधर भटक रही है। उसे कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा जो उसकी मदद कर सके। हालांकि उसके पीछे समृद्ध जो है, यानी कि जिससे सवि की शादी होने वाली थी, वो उसका गाड़ी से पीछा कर रहा है और वो चाहता है किसी भी तरह से सवि से जोर जबरदस्ती से शादी कर ले, क्योंकि समृद्ध की ईगो जो है वो हर्ट हो चुकी है और वो काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है कि बस सवि उसे मिल जाए फिर वो उसे बताए। तो वहीं दूसरी तरफ ईशान का रीवा से रिश्ता टूटा है, तो ईशान जो है वो भी रीवा पर बौखलाया हुआ है और ईशान गाड़ी में बैठा है, कहीं जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसके चाचा जो है उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी के रोके नहीं रुकता है। ईशान को तुरंत याद आता है कि कैसे एयरपोर्ट पर रीवा जो है अपने मम्मी और पापा के साथ सेल्फी ले रही थी। ये चीज ईशान को अंदर ही अंदर खाए जा रही है और ईशान का गुस्सा उसकी आंखों में आंसू बनकर बह रहा है। वहीं आप देख सकते हैं कैसे सवि जो है इधर उधर रोड पे भटक रही है और वो कहीं ना कहीं छिपने की कोशिश कर रही है, क्योंकि समृद्ध उसे ढूंढने की पूरी तरह से प्लानिंग कर चुका है। वहीं अब आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि भाई ईशान जो है वो सवि के पास पहुंचने वाला है, साथ ही ईशान ही है जो कि सवि की मदद करेगा और भाई आप देखेंगे किस तरह इनकी केमिस्ट्री आगे जाकर बहुत बढ़िया बनने वाली है। क्योंकि जहां सभी अकेली है वहीं ईशान भी अकेला है, कहीं ना कहीं इन दोनों की अकेले वाले राहें जो हैं वो आगे चलकर एक होने वाली हैं, जैसे कि आज के एपिसोड में आपको दिखाया भी जाएगा। वहीं सुरेखा की अगर बात करें तो सुरेखा बहुत परेशान है। शांतनु कहता भी है कि हमें ईशान को अकेला छोड़ देना चाहिए, लेकिन सुरेखा ईशान को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती। वहीं देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जब सवि ईशान की शादी होगी तो सुरेखा का क्या फैसला होगा, क्योंकि सवि जो है वो अपने सपनों के लिए ही अपने घर भागी है। तो ऐसे में क्या सुरेखा सभी को अपना सपना पूरा करने देगी? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।